अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बगैर पफ डो के चिकन पेटीज़ बनाना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ एक छोटे साइज़ का प्याज है, ये मैंने ले लिया है, इसको इस तरह चॉप कर लिया है। दो तीन हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने पीस के वो भी साथ ही ऐड कर दिया है। आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना। उसके बाद एक प्याली इसमें मैंने चिकन बॉईल किया हुआ, ये मैंने हाथ की मदद से इसके रेशे रेशे कर लिया था इसको, तो ये ऐड कर दूँगी। अभी हम थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना क्योंकि गोश्त पहले ही गला हुआ है, बस हमने थोड़ा सा मिक्स ही करना इसे। अभी इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चम्मच इसमें मैदे का लिया है और एक कप इसमें दूध का ऐड करूँगी, तो ये मिक्स करके ये सारा ऐड कर दूँगी इसमें। सही से इसे मिक्स करना है, थोड़ी सी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें, तो ये मैं सारा ऐड कर दूँगी। तो अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा दूध कम है क्योंकि मैंने पूरा कप ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा ही ऐड किया था, और मैं अब वो वाला जो बच गया था वो भी ऐड कर दूँगी। ये देखें डाल के अभी मैं सही से इसे मिक्स कर लूँगी। आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही, और मुझे पहले तो मैं सोच रही थी कि आज वीडियो अपलोड नहीं करती क्योंकि मेरे गला ख़राब है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इस आवाज़ के साथ मैं वीडियो वॉइस ओवर करूँ। बस फिर इसके बाद ये मिक्स हो गया है और ये देख सकते हैं, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और बस इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और इतना कोई मज़े का बनता है ना कि मुझे खुद बहुत पसंद है ये वाले पेटीज जो है ना, बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरे कहने पर आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। ये यहाँ पर तीन अंडे हैं, इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और ये ब्रेड है, ब्रेड को मैंने इस तरह एक आपके पास कटर है, कटर के साथ आप कर ले, नहीं तो ग्लास था मेरे पास तो मैंने तो ग्लास की मदद से इसको ऐसे ये कर लिए है, इनके दरमियान से इसको निकाल लिया है ब्रेड को। तो हम इस तरह की ब्रेड बना लेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं और जो मसाला है वो ठंडा कर लेंगे, हमने जो इसका बैटर बना के रखा हुआ है वो ऐसे गर्म गर्म हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये लगा दूंगी इसके ऊपर, सबसे पहले वो लगाएंगे जो मसाला बना के रखा हुआ है, उसके बाद ये मैं दूसरा स्लाइस ब्रेड का रखूँगी, और अभी हम इसे अंडे में डिप करेंगे, अच्छे से डिप करना है, कोई भी जगह खुश्क नहीं रहने चाहिए, साइडों से भी हम सही से डिप करेंगे। ये देख सकते हैं अभी हम इसे ब्रेड क्रम लगाएंगे, ब्रेड क्रम से मैंने घर में ही बनाई है, जो साइडों में से बचते हैं ना वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसकी हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, तो वही हम यूज़ कर लेंगे रेसिपी में। तो ये है कि ज़ाया ब्रेड भी ज़ाया नहीं होती और बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है। आप बच्चों को लंच में दें, वैसे घर में दें, बहुत ही बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। ये देखें इस तरह के बना के सभी रख लेंगे जितने भी बनेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़े से बना रही हूँ, बाकी जो बच गया मसाला वो फिर बाद में बना लूँगी। ये मैंने पांच बना लिए हैं, फ़िलहाल मैं इतने ही बनाऊँगी, अभी मसाला पड़ा हुआ है, बाद में बना लूँगी बाकी जो है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे, फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा आप ऑयल ले ली। ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया, बहुत कम ही यूज़ किया है, आप जितना चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बस मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैं ऐड करूँगी इसमें, ये एक एक करके मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसमें तीन ऐड किए हैं, जितना मुझे लगेगा कि मैं आसानी से इसे बढ़ सकती हूँ, तो ये चेंज कर दूंगी इनकी साइड, अभी एक साइड बन गई थी तो मैं वो वाली साइड चेंज कर दूंगी, अब दूसरी साइड कर दूंगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, मेरे बच्चों से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, वो बोल रहे थे मम्मा जल्दी जल्दी हमें दे दें, और ये कि जब भी मैं ये बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। और आप भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर इसका नहीं करना,
ये ब्रेड है बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो बच गए हैं बाकी वो भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप इसका कलर, देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और वैसे देखने में भी बहुत मज़े के और खाने में तो है ही मज़े के। आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं अंदर से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े के हैं ये। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।